नमस्कार, लोकसभा टीवी की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर संसद भवन परिसर में एम्पैथी कॉन्क्लेव 2020 वेबिनार आयोजित हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बैलरी साइंसेस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वेबिनार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शिरकत की। एम्पैथी कॉन्क्लेव की इस साल की थीम कीप योर लीवर सेफ इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 रखी गई, यानी कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में अपने लीवर को स्वस्थ रखें। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं संसद भवन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की, इस वेबिनार की कुछ खास झलकियां। लीवर शरीर का मास्टर रेगुलेटर है। आप जो खाते हैं उसको पचाता है। आपका सबसे बड़ा स्टोर हाउस है और आप शायद जानते नहीं होंगे कि आपकी ब्लड शुगर, आप सोचते हैं पैंक्रियाज कंट्रोल करता है, ये लिवर कंट्रोल करता है और ये रोज हिसाब रखता है कि आपकी क्या इनकम है और क्या एक्सपेंडिचर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है बॉडी का। अगर ज़्यादा इनकम होगी तो ये बिगड़ जाता है, तो इसलिए हमें इसको संभाल के और सेफ रखना है। अगर इसमें सोजिश हो जाए तो आइटिस कहते हैं, जैसा गला खराब हो टॉन्सिलाइटिस है, उसी तरीके से अगर लिवर में स्वेलिंग हो तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। और ये वायरसेस से, फैट से और अल्कोहल से, अल्कोहल के बारे में आज नहीं बात कर सकते पर हाँ थोड़ा सा वायरस और ये वायरसेस से, फैट से और अल्कोहल से, अल्कोहल के बारे में आज नहीं बात कर सकते पर हाँ थोड़ा सा वायरस और फैट के लिए आपसे चर्चा करूँगा। ये WHO का एक फिगर है जिसमें आप डी और फिर ई, ए जो है वो बच्चों में होता है और इसीलिए छोटी उम्र में याद रखें कि ये स्कूल जाने वाले घर में छोटे बच्चों में होता है। और ई जो है वो पानी या भोजन से आप में आता है, दोनों अपने आप ठीक हो जाते हैं जनरली। पर हेपेटाइटिस बी और सी ये जो है दोनों खून से, और हेपेटाइटिस बी 90% माँ से बच्चे को आता है। मतलब अगर मदर में पॉजिटिव है तो ही बच्चा पॉजिटिव होगा। और भारत में करीब 4 करोड़ को, 40 मिलियन को हेपेटाइटिस बी है सर, और 12 मिलियन के करीब हेपेटाइटिस सी। ये सिंपल एक ही स्लाइड इस तरह की है, आप देखें कि HIV से करीब 2 मिलियन इन्फेक्टेड है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और हेपेटाइटिस बी से करीब 40 मिलियन, हेपेटाइटिस सी से 10 से 12, और आप कोरोना जिसके बारे में रोज देख रहे हैं कि करीब 1.4 मिलियन भारत में है जिनको कि वायरस हुआ और ये रिकवर कर रहा है। अब आप देखेंगे कि डेथ जो है हेपेटाइटिस बी से ज्यादा और सबसे, और हमारी इसकी दवाइयां लाइफ लॉन्ग किलिंग, कोरोना आप 14 दिन के अंदर अगर आपकी अच्छी दवाई काम कर जाए या हेपेटाइटिस सी 3 महीने में ठीक हो सकते हैं। तो ये सिर्फ ध्यान देने के लिए कि जो बीमारी इतनी मुश्किल है नेक्स्ट, जिसमें करीब 1.5 मिलियन, 15 लाख लोगों की डेथ हो जाती है और लास्ट 20 साल में ये करीब करीब 22% डेथ बढ़ गई, और HIV, TB और मलेरिया सबको मिला ले उससे भी ज्यादा डेथ, ऐसा WHO का एस्टीमेट है कि हेपेटाइटिस बी से है। और करीब 60,000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। दो साल पहले भारत सरकार ने और ILBS के प्रयोग सहयोग से एक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है, पर कुछ बातें उसके बारे में भी मैं बताऊं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी माँ से आता है, तो क्या आप अपनी मदर चूज कर सकते हैं? मैं सारे पार्लियामेंटेरियन से ये सवाल पूछूं कि वो अपने यहाँ पे सवाल पूछें कि किसी को अगर हेपेटाइटिस बी है भाई वो तो पैदा हो गया। अगर किसी का ऐसे परिवार में जन्म है जहाँ डायबिटीज है तो आप मदर को चूज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो वो माँ के कारण उसके शरीर में आ गया पैदा होने के टाइम। नेक्स्ट, तो ऐसे आदमी को आप सोशल आउटकास्ट करते हैं, क्योंकि
प्रोग्राम हेपेटाइटिस नेशनल प्रोग्राम चाहता है कि सबको हम टेस्ट कराएं, सबका इलाज करें, पर लोग आते नहीं है बाहर डर के मारे। उनको ये लगता है कि किसी और को पता लग गया हेपेटाइटिस बी तो वो नहीं होगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा, घर में घुसने नहीं देगा, शादी टूट जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप उन सब लोगों को जिनकी कोई गलती नहीं है, जो कि उस घर में पैदा हुए जहां पे माँ को ये था, उसके ऊपर आप एक सील ना लगाएं। नेक्स्ट। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे कानून मंत्री जो पिछली बार इतनी जोरों से बोले थे, एम्पैथी वर्ड का मायना बताया था रविशंकर जी ने, उनसे एक बार फिर दरख्वास्त है, और थ्रू द स्पीकर एंड अवर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, देर इज नो राइट वे टू डू अ रॉन्ग थिंग, द रॉन्ग थिंग इज टू कंसीडर देम एज आउटकास्ट, नॉट टू गिव देम देयर राइट्स। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड माय फाइट एंड अवर फाइट टुगेदर इज एनेक्ट ए न्यू लॉ, गिव देम इक्वालिटी फॉर हेपेटाइटिस पेशेंट्स लाइक एनीबडी एल्स। नेक्स्ट। और इसी उम्मीद के साथ, एम्पैथी मीन्स ए एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट हेपेटाइटिस, ये लोगों का एक मिशन है। हम उन सारे 50 मिलियन लोगों को, 5 करोड़ लोगों की आवाज बन के आपके पास आए हैं, आप ही के क्षेत्र से, आप ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र से उन लोगों की आवाज आप ही तक पहुंचा रहे हैं, टू एम्पावर देम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मेटाइजेशन। नेक्स्ट। ILBS ने एक छोटा सा प्रयास किया, छोटा सा अस्पताल है, हमने 123 मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स को ट्रेन किया, करीब 1100, 6000 नर्सों, 30 पब्लिक एंटरप्राइजेस, और 2 स्टेट्स में शपथ दिलाई कि हाँ हम ऐसा काम नहीं होने। पर ये तो एक ड्रॉप है, एक समुद्र में बूंद की तरह है, और आज ये जो मौका मिला है सौभाग्य से स्पीकर साहब के और पार्लियामेंटेरियंस के, ये एक सौभाग्य है कि आप हम लोगों की, उन पेशेंट्स की आवाज हम लोगों के थ्रू सुन सके। नेक्स्ट। दोबारा वाई लिवर। नेक्स्ट प्लीज। सब लोग चाहते हैं, और भारत में आयुर्वेदा में, और ये तो लिखा हुआ है पुराने शास्त्रों में, कि भाई शतायु भव, 100 साल जीना चाहिए और हेल्दी होकर जीना चाहिए, कान भी चले, नाक भी चले, आंख भी देखे, सांस भी चले, तो शतायु कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि सब लोग 100 साल जीना चाहते हैं और हेल्दी रह के, और उसका एक ही तरीका है मेरे विचार से, हो सकता है मैं थोड़ा गलत हूं, लिवर में अगर फैट है और 5% से ज्यादा है तो वो अच्छा नहीं, और भारत में 1 में से 5 व्यक्ति को 20%, और अमेरिका में 1/3 में, मतलब 1/3, 1/3 ऑफ अमेरिका में फैटी लिवर। हम कहते हैं डायबिटीज कैपिटल है भारत, पर उससे पहले लिवर में फैट आती है तो ही डायबिटीज होती है। नेक्स्ट। तो अगर लिवर में फैट है वो 15 साल पहले आपको बता देगी कि डायबिटीज होगा, या आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर डायबिटीज के साथ में होगा। नेक्स्ट। तो मेरे विचार से, और ये बिल्कुल अभी की 2020 की साइंस कहती है, कि लिवर में अगर फैट है और एक लिवर का एंजाइम है 10 रुपए में होता है, SGPT या ALT, अगर वो हाई है, 30 से ऊपर है, तो आपका रिस्क है डायबिटीज का, हाई कोलेस्ट्रॉल का, BP होने का, दिमाग में नस फटने का, हार्ट डिजीज का, किडनी का, गॉल ब्लैडर में, और सारे कैंसर। पर मैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में और सब है, पर लिवर डिजीज नहीं है, और यही मुझे लगता है एक आपके सहयोग से हो जाए, सारे दुनिया में प्रयास है, पर अगर ये कोर को माना जाए और इसी को बचा लें तो बाकी डिजीज NCD में कम हो जाए। कोरोना वायरस डिजीज, ये वायरस नहीं है, वायरस है SARS-CoV-2, इसलिए बता रहा हूँ कि हम कहते हैं मुझे कोविड हो गया, कोविड मतलब डिजीज हो गई, डिजीज नहीं हुई, सिर्फ इन्फेक्शन हुआ। तो कोरोना वायरस डिजीज इज डिफरेंट देन गेटिंग इन्फेक्टेड, जैसे नेक्स्ट, किसी को HIV हो गया पर बीमारी नहीं हुई, एड्स नहीं हुआ, सिर्फ HIV का इन्फेक्शन हुआ, तो ये दोनों चीजें अगर हम लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट प्लीज। और क्यों आज का ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप कहते हैं कोविड में कौन आदमी मरेगा, किसकी जान खतरे में है, जिसको डायबिटीज है, जिसको BP है,
जो ओवरवेट है, और ये सब इसलिए है कि लिवर में फैट है। तो भारत में अगर आप कोविड से भी बचना चाहते हैं, और आज इसीलिए इन दोनों को जोड़ा कि आप अपना लिवर में से फैट निकालें, आपकी डायबिटीज़ बेटर होगी, बीपी बेटर होगा, और ऑफ कोर्स कोविड से भी बचेंगे। नेक्स्ट प्लीज। और आईएलबीएस ने इसमें थोड़ा प्रयास किया, इस बारे में नॉलेज दी, प्रिवेंशन के लिए कई तरीके निकाले, टेस्ट किए, और एक भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनाया। छोटा सा योगदान है, पर मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू पहले तीन नॉलेज, प्रिवेंशन एंड टेस्ट, और सब जगह हो सके। नेक्स्ट प्लीज। लास्ट में दो शब्द हैं, वाई लिवर अगेन, क्यों लिवर की गरिमा ज़्यादा है। नेक्स्ट, लिवर जो वर्ड है, करीब क्राइस्ट से 2000 साल पहले इसका यूज लाइफ के लिए होता था। लिवर मींस लाइफ। और इवन प्रॉफेट ने भी कहा था कि आपकी आत्मा जो है एक नरम लिवर है, दिल नहीं। आयुर्वेदा में इसे अग्नि कहा था। नेक्स्ट प्लीज। उस जमाने में, ये क्राइस्ट से 2000 साल पहले, मंदिरों में लिवर की पूजा होती थी, और वहाँ पे उस पर जितनी आपका ज्योतिष है वो लिवर के ऊपर ही बनाया जाता था। ये सारा एक ये बताने के लिए कि इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए इसको आप प्यार से रखें, संभाल के रखें। नेक्स्ट, तो मेरा अनुग्रह, मेरा नमन निवेदन, कीप योर लिवर हेल्दी एंड इंडिया शुड हैव ए शतायु इंडिया। नेक्स्ट प्लीज। और आप सब पार्लियामेंटोरियन से, जितने सांसद जहाँ दूर दूर से हैं, और जो आप सब लोगों की आवाज़ हैं, लोगों का दिल है, उनकी धड़कन है, आपके थ्रू ये छोटा सा मैसेज, और स्पीकर साहब और हेल्थ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर साहब की तरह मैसेज को अगर आप शेयर करें, आपके इलाके के लोगों के जो भी हेपेटाइटिस बी सी या फैटी लिवर है उनको दूर करें। नेक्स्ट प्लीज। तो ये बहुत अच्छा होगा। और मैं दोबारा हमारे चेयरमैन आईएलबीएस, हमारे पूरे दिल्ली के डॉक्टर्स, पूरे कंट्री के डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, सबकी तरफ से नमन, आपको प्रणाम, लाइफ लॉन्ग थैंक्स टू स्पीकर सर, ऑल द मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियन। एज हैज बीन वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड, हेपेटाइटिस हैज बिकम वन ऑफ द मेजर हेल्थ केयर बर्डन्स इन इंडिया, एंड इट इज रबिंग शोल्डर्स विद द थ्री टॉप मेडिकल इवल्स, दैट इज HIV, AIDS, malaria, and tuberculosis. And the most disturbing aspect about hepatitis is that it is a silent killer. Most of us do not even know that unknowingly we are affected by it. And hence, the constant theme in all our campaigns against hepatitis has to be for awareness generation in terms of hepatitis. And it is in this context that 2 years ago, this project Empathy, Empowering People Against Hepatitis, was jointly launched by ILBS and Airport Authority of India, when the Government of India launched the National Viral Hepatitis Program. And the main objective of this project is to alleviate the suffering of millions of people who are without knowledge affected by hepatitis. Dr. Sareen has done outstanding work in hepatitis awareness generation, treatment and research. And as chairman of ILBS, it gives me immense pleasure to see that ILBS has blossomed into an institute of excellence, not only for treatment and community outreach for hepatitis, but also for medical academics and research. Today, we are extremely privileged and we are confident that with the support of the Honorable Speaker and all the Honorable Members of Parliament, we would be able to achieve this common objective of hepatitis-free India by 2030. And I am also sure that ILBS as an institute will be a torch bearer in this national campaign. Jai Hind. हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय, पिछले साल 28 जुलाई को भी हमारे साथ इसी प्रकार के एक कार्यक्रम में थे।
और उसके बाद उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा सांसदों को भी अपील की और उस विषय को उस कार्यक्रम के बाद छोड़ा नहीं, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आज भी हमारे साथ हैं। हम सब जानते हैं कि यूं तो दुनिया के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं और हर एक बीमारी का अपना महत्व है। सारे दुनिया के स्वास्थ्य के विषय को अगर मार्गदर्शन करने का कोई काम करती है जो सबसे बड़ी संस्था है, उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूं तो दुनिया की हर बीमारी पर काम करता है, लेकिन साल में उसने 8 दिन केवल ऐसे निर्धारित किए हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में दुनिया भर के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की उपस्थिति में तय हुए हैं। जिन दिनों पर सारे संसार का ध्यान स्वास्थ्य से जुड़े उस विषय पर आकृष्ट किया जाता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो है वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को होता है और उस दिन हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन एक महत्वपूर्ण थीम नया लेकर सारे दुनिया के सामने आता है। एड्स की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, मलेरिया की बीमारी है, टोबैको के कारण, तंबाकू के कारण जो दुनिया के लोगों को तकलीफ होती है वह विषय है। दुनिया के हर बच्चे को जो टीका है बीमारी से बचाने वाला, जिसको हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस कहते हैं, वो टीका मिले, उसके लिए ह्यूमनाइजेशन वीक है। और इसी तरीके से एक ब्लड डोनेशन डे पर एक उन्होंने दिन निर्धारित किया है क्योंकि उसका कितना बड़ा महत्व है। लेकिन सबसे अंत में कुछ ही साल पहले उन्होंने एक दिन और इसमें जो ऐड किया जो कि 8वां दिन है, वो आज का दिन है 28 जुलाई का, जिसको कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कहते हैं। और ये शायद प्रासंगिक भी इसलिए है, अभी डॉक्टर शरीफ से भी हमने सुना कि केवल हम अपने देश की ही चर्चा कर रहे हैं, दुनिया तो बहुत बड़ी है। लिवर के बारे में उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि ये एक प्रकार से शरीर की आत्मा है और शरीर के अंदर सारी जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं वो लिवर के अंदर ही उनका संचालन होता है। और आज भी जब कोविड के युग में कोमॉर्बिडिटीज की बात हो रही है तो डायबिटीज और ओबेसिटी की बात हो रही है, उसमें साथ में लिवर की भी बात हो रही है। और हमने ये भी देखा है कि अभी बहुत सारी जो दवाइयाँ कोविड के लिए इस्तेमाल में ली जा रही हैं, रेमडेसिविर और इस प्रकार की दवाइयाँ, ये भले ही अभी ट्रायल स्टेज में है, बहुत लोगों को उसका लाभ भी हो रहा है, लेकिन इनके बारे में साथ साथ ये भी बातें उभर कर आ रही हैं कि इनके इस्तेमाल से लिवर के अंदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और इसलिए जिनका लिवर ठीक है आज के युग में, उनको वो डिस्टर्बेंसेस को भी वो टॉलरेट कर पा रहे हैं, लेकिन जिनका लिवर पहले से मान लीजिए किसी भी कारण से खराब है, उसको कोई तकलीफ है, वो चाहे हेपेटाइटिस बी के कारण हो, वो चाहे हेपेटाइटिस सी के कारण हो, या इन दोनों वायरसेस के होने के कारण जो लिवर में सिरोसिस जैसी बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, लिवर की जो सारी क्षमता है वो डाइजेशन के बारे में हो, उसके एंजाइम्स के बारे में हो, डायबिटीज को कंट्रोल करने के बारे में हो और दूसरे जितने विषयों पर यहाँ संज्ञान दिलाया गया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर कॉम्प्रोमाइज होती है तो मैं समझता हूँ कि लिवर का महत्व जो है बहुत अच्छे तरीके से आज खैर कोविड के युग में भी बहुत प्रासंगिक हो गया है। इतना बड़ा तूफान सारे दुनिया के अंदर कोविड का आया है, सारी दुनिया प्रभावित हुई है, लेकिन अभी हमारे भारत में अभी भी 14-15 मिलियन केसेस के आसपास हैं, जिसमें से अब हम 1.45 मिलियन के आसपास है, जिसमें से 1 मिलियन के करीब हम ठीक होने की स्थिति में आ रहे हैं।
और उसके मुकाबले आज जो हेपेटाइटिस बी के मरीज भारत में है उसकी संख्या देखें तो वो कितनी 40 गुना ज्यादा है, और उसके कारण तकलीफ कितनी होती है, किस प्रकार से माँ जो है वो अनजाने में अपने बच्चे को दे सकती है, बच्चा जिंदगी भर कैरी करता है। लेकिन ये भी है कि अगर उसको सही समय पे डायग्नोज कर लिया जाए, उसकी जानकारी लोगों को दे दी जाए, उसके प्रिवेंशन के लिए जितनी बातें हैं उनके लिए लोगों को ठीक से बताया जाए, क्योंकि प्रिवेंशन भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जानकारी हमको है कि ये ब्लड के माध्यम से होगा या ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के माध्यम से होगा या ये सिरिंजेस के माध्यम से हो सकता है या हमें किस प्रकार से जो है पानी के साफ पानी इत्यादि इस्तेमाल करने, क्योंकि जो बताया है कुछ ऐसे हेपेटाइटिस ई वगैरह है जो ठीक हो जाते हैं, ए के बारे में कहा ये भी अच्छी बात है। तो आज का जो समय है ज़्यादा लंबा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं भारत सरकार ने भी हम जानते हैं कि इसके हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन के लिए कंट्रोल के लिए इसको अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और सारे देश में नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू इसके प्रिवेंशन के लिए नीचे तक नीचे के स्तर तक इसके लिए सब प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं। जो देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं वहां पर भी प्रिवेंशन के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है, प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल्स के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है, पॉजिटिव लाइफ एटीट्यूड्स के बारे में बहुत फोकस है। कुछ बीमारियों की तो रूटीन में वहाँ पर स्क्रीनिंग इत्यादि होती है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस प्रकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, उनका हेल्थ के प्रति बहुत बड़ा कमिटमेंट है। अभी हमने देखा कि कोविड के लिए जिस दिन कोविड ने थोड़ा सा भी यहाँ पर पांव पसारने शुरू किए तो उन्होंने उसी दिन 15,000 करोड़ का हेल्थ का एक पैकेज जो है उसकी घोषित की। अभी पिछले समय के अंदर हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन के चीफ एनके सिंह जी से कई मीटिंगें की, उन्होंने भी हेल्थ के बारे में अपना जो कमिटमेंट है उसको दर्शाया और उन्होंने कहा कि पहली बार फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में हेल्थ के फाइनेंसिंग के ऊपर वो एक स्पेशल चैप्टर इसके लिए इंक्लूड करने वाले थे। तो भारत की सरकार का और जब भारत की सरकार के साथ साथ हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर ने इस विषय को अपने हाथ में ले लिया है तो इसका मतलब कि उनके माध्यम से उनके एक संदेश से सारे लोकसभा के 550 सदस्यों के माध्यम से विषय सीधा सीधा 135 करोड़ लोगों तक जाने की क्षमता और योग्यता विकसित होती है। तो मैं आज डॉक्टर सलीम को बहुत बधाई देता हूं। डॉक्टर सलीम को मैं लगभग पिछले 27 साल से जानता हूं, जब मैं दिल्ली में पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना था आप उस समय जीवी पंत अस्पताल में प्रोफेसर थे और उसी समय से इनके दिमाग में एक प्रकार का शब्द का प्रयोग गलत कर रहा हूँ लेकिन डिस्क्रिप्शन उसका सही है, एक तरह से ये ILBS को क्रिएट करने का कोई लिवर का डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट करने का एकदम जज्बा भी था और फितूर भी था। उस समय हम सोचते थे कि शायद ये फितूर था लेकिन ये जज्बा था और हम लोगों ने उस समय भी उस 5 साल में भी इसकी फाउंडेशन खड़ी करने के लिए जो जो सपोर्ट सिस्टम्स थे वो सारे क्रिएट किए और आज जैसा अभी विजय देव जी ने कहा कि ये ILBS एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है एक एक्सीलेंस वाला एक इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित हुआ है। हमको अगर कोई फोन आता है तो ये जरूर आता है कि डॉक्टर सलीम साहब से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दीजिए, उनके साथ समय ले लीजिए, बाकी हमको कोई जो है ILBS से रिलेटेड जो है कोई फोन उस तरह से नहीं आता लेकिन उनके साथ समय तय करा दीजिए। तो उन्होंने एक ये अपना स्ट्रेचर वगैरह अपने काम के कारण बनाया है और जैसा उन्होंने पहले ही लाइन में कहा कि उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं है, एक जज्बे के नाते वो हेपेटाइटिस के लिए काम कर रहे हैं और इसी के कारण ये एयरपोर्ट अथॉरिटी भी जुड़ी है, सरकार दिल्ली सरकार भारत सरकार हम लोग सब इस काम में उनके साथ हैं। इधर कोविड में प्लाज्मा के संदर्भ में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, प्लाज्मा का बैंक भी वहाँ पर विकसित हुआ है और उसके कारण और भी जगह पर ये एक मूवमेंट की तरह से विकसित हो रहा है। हम लोगों ने तो उनको प्लाज्मा वॉरियर्स का नाम दिया है, अभी पिछले दिनों पुलिस के बहुत सारे लोगों के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्लाज्मा डोनेशन हुआ, वो भी एक आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा है। तो मैं इस समय आज के इस अवसर पर
सभी संबंधित लोगों को और विशेषकर जो पार्लियामेंट के मेंबर जुड़े हैं आज, उनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो हमारे लोकसभा के माननीय स्पीकर महोदय आज संदेश देंगे, उसको घर घर तक हम सब लेकर जाएंगे, इस बात का मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ। और एक बार पुनः स्पीकर महोदय का अभिनंदन। आज देश में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, हम स्वस्थ रहें, काढ़ा पिए, गिलोय का सेवन करें, या आपके बाकी आंवला का जूस पिए, या बाकी चीजों को संभावना जो चल, ये देश में हेल्थ केयर के प्रति एक नई जागरूकता आई। आज का दिन माननीय अध्यक्ष जी आपकी अगुवाई में और डॉक्टर सरीन के संकल्प के साथ इसलिए जरूरी है कि देश में जो स्वास्थ्य के प्रति एक नई जागरूकता आई है, क्या उसमें हम हेपेटाइटिस और लिवर के स्वास्थ्य जोड़ना। और मैं अपने सारे सम्मानीय सांसदों से विनम्रता से आग्रह करूं कि आप सभी क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, आपकी चर्चाओं में स्वास्थ्य की चर्चा बहुत गंभीरता से, क्योंकि आपका काम है, आपके जो चुनने वाले हैं, आपके वोटर्स हैं, जनता है, वो स्वस्थ भी रहे। आज हमारे पार्लियामेंटेरियंस का एक काम ये भी है, एजुकेटर बनना, उनको एजुकेट करना। स्वाभाविक है जब आप अपने गांव के कार्यक्रमों में बाकी में चर्चा करेंगे, लोग बहुत गंभीरता से सुन, और डॉक्टर सरीन के संदेश को आप पहुंचाएंगे, कुछ करो, चिंता करो और अपने लिवर की भी चिंता। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जन आंदोलन बनेगा, तो एम्पैथी शब्द का प्रयोग किया गया, ये इसके लिए बहुत उचित होगा। डॉक्टर सरीन ने एक बात कही कि कानून के माध्यम से क्या हम कर सकते हैं, जरूर सोचना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन शासकीय स्वास्थ्य विभाग के इंचार्ज हैं, इस दिशा में कोई कार्रवाई वो सोचेंगे तो कानून मंत्री के रूप में हम पूरा सहयोग करेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे कई सांसद के मित्र बैठे हुए हैं, कि हमने कई इस तरह के रोगों के संबंध में कानून में बदलाव, जैसे एक समय आपको लेप्रोसी अगर है तो लेप्रोसी बहुत बड़ा कारण था डाइवोर्स लेने का, अलग रहने का। और पिछले सत्र में हम लोगों ने कोशिश किया कि यह खत्म होना चाहिए, आज लेप्रोसी क्योरेबल है। और अध्यक्ष जी आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, उन्होंने मिलकर सदन से ये बिल पारित किया और आज लेप्रोसी एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स समाप्त। तो जो बता रहे थे कि इसके कारण लोगों में जो एक पीड़ा होती है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उस भेदभाव का निराकरण भी कानून से संसद आपकी अगुवाई में करती है सरकार। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि सलीम, इफ यू वॉन्ट एनी पर्टिकुलर लॉ, kindly think about it. Dr. Harshvardhan is sitting here, a very eminent doctor who is a fine blend of public affairs and medical accomplishments. उस पर हम काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कानून तो अपनी जगह होना चाहिए, जागरूकता सबसे जरूरी, और जागरूकता करने की आवश्यकता। अब आज का समय चुनौतियों का है, तो हम फिजिकल भी मिलते हैं और वर्चुअल भी मिलते हैं, डिजिटल भी मिलते हैं। आपको मैं एक बार बताऊं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आईटी विभाग में हमारा कॉमन सर्विस सेंटर चलता है, जो अपनी सरकार जब आई थी 70,000 था, उसको मैं ले गया हूँ लगभग 4.25 लाख। देश के कोने कोने में डिजिटल खिड़की है, तो डिजिटल सेवाएं देती, पासपोर्ट बनाती है, लैंड रिकॉर्ड देती है, बाकी आयुष्मान भारत के उम्मीदवारों को आज रजिस्ट्रेशन करती है, किसान मानधन में काम करती है। तो मैंने उनको टेलीमेडिसिन में पुश किया, और इस बार के कोविड की चुनौती में मेरे लिए बहुत आश्चर्य हुआ, लाखों की संख्या में गांव के लोग आए कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करा। काफी लाखों के अनुसार उनको टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम सहयोग दे भी पाए। तो देश में स्वास्थ्य के प्रति एक नया उत्साह बढ़ा, एक नई जागृति आई है और एक नई चिंता भी आई है कि हमें स्वस्थ।
इस जागरूकता का रचनात्मक प्रयोग हम लिवर के स्वास्थ्य के लिए भी करें, और आज का दिन बहुत ही सदुपयोगी दिन है इस मामले में, और विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा, इस चुनौती भरे समय में भी आपको लगा और सही लगा कि इस स्वास्थ्य की चिंता को हमें एक सद्भाव और जागरूकता से निराकरण, यही आज के दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वह आपका बहुत ही अभिनंदन। डॉक्टर क्या कहूं सरीन आपके बारे में, अध्यक्ष जी मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि सरीन साहब के जज्बे के बारे में बताया डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, इनके अंदर जज्बा भी है, मेरी थोड़ी व्यस्तता चल रही थी, इन्होंने मुझे चार बार फोन किया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, मैं आऊंगा, मैं डिजिटली जुड़ूंगा लेकिन जुड़ूंगा जरूर। तो जब इतना बिजी डॉक्टर है जिनके अपॉइंटमेंट के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करना पड़े, अगर वो इस कॉज के लिए इतना जज्बा रखता है, मुझे पूरा विश्वास है देश में हेपेटाइटिस और लिवर के लिए हम एक नया आंदोलन खड़ा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन माननीय अध्यक्ष जी और सब। भारत सरकार के यशस्वी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय कानून विधि सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री विजय देव जी, डॉक्टर पूनम जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, और जो लगातार इस हेपेटाइटिस जनजागरण अभियान से सहयोग करते हैं, अरविंद सिंह जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, देश भर से सभी मेरे सांसदगण, आज मैं विशेष रूप से ILBS के निदेशक डॉक्टर एस के सरीन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश से हम जन जागृत अभियान से जनता को साथ लेकर किस तरीके से हेपेटाइटिस बी और सी को रोक सकते हैं, उसके लिए एक लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं। मुझे भी आज प्रसन्नता है कि इस विषय पर मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला, और आज हम कोविड के कारण ई कॉन्क्लेव के माध्यम से आज विचार विमर्श कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि ILBS संस्था जो यकृत और विज्ञान के क्षेत्र में लगातार विशिष्ट काम कर रही है, उसके लिए मैं संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया और देश COVID-19 से संघर्ष कर रहा है, और सरकार ने, राज्य सरकारों ने भी इसके लिए व्यापक प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम हमने काफ़ी हद तक रोकने का काम भी किया है, और कैसे इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है इसके लिए भी हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। मुझे आशा है कि भारत सहित विश्व भर के वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन भी विकसित हो जाएगी, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। और इस बीमारी ने
का प्रभाव एक लंबे समय तक रहेगा, हमारे सामाजिक जीवन पर भी, आर्थिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक इसका प्रभाव रहना है। लेकिन इस सब के बाद भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि मानव जाति में आपदा और समस्याओं से लड़ने की असीमित शक्ति है, ऊर्जा है और संकल्प है। विजय का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। मैं इस कॉन्क्लेव के माध्यम से विशेष रूप से डॉक्टर सरीन जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस समय कोविड के समय हम कैसे लीवर को सुरक्षित रखें इसके लिए एक अभियान चलाया है। मुझे याद है कि पिछले वर्ष भी मैं इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। डॉक्टर हर्षवर्धन जी और डॉक्टर सईद रविशंकर जी और कई वरिष्ठ लोग, देश भर के लोग उसमें शामिल हुए थे और सबका संकल्प एक ही विचार था कि हम किस तरीके से देश के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी को रोक पाएँ, और इसके लिए व्यापक प्रयास भी किए गए थे। क्योंकि पिछली बार एक अनुभव किया गया था कि पहले इसकी पहचान की जाए और पहचान करने के बाद इसके रोकथाम के इंतजाम किया जाए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि सामान्य व्यक्ति को इसके लक्षण पता नहीं चलते, और जब तक लक्षण पता चलते हैं जब तक ये वायरस काफ़ी हद तक अंगों को संक्रमित कर लेता है। इसलिए इसका व्यापक प्रयास जब ही होगा जब हम जन जागरण से समाज के सभी तबकों तक पहुँचे, और इसके लिए हम सब माननीय सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है कि हम जनता का नेतृत्व करते हैं, समाज हमें चुनकर भेजा है, हम किस तरीके से हमारी जनता को स्वस्थ रख सकें ये जिम्मेदारी हमारी है। और आज इसीलिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सबको इसको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। हम सब लोग सामूहिक प्रयास करें कि इस देश से हेपेटाइटिस बी और सी को समाप्त करें, क्योंकि WHO ने भी ये अभियान चलाया है और अन्य संस्थाओं के साथ साथ UN ने भी कहा है कि 2030 तक हम इस बीमारी को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करें। और इसलिए SDG के लक्ष्यों में भी 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर, हमारी चिकित्सा की संस्थाएं, शोध संस्थाएं, चिकित्सकगण इसके लिए विशेष प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आम जन तक इस संकल्प को लेकर जाएं और अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इस हेपेटाइटिस बीमारी को, वायरस को रोकने में कामयाब हों। मुझे आशा है कि सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक संकल्पों से हम इस वायरस को समाप्त कर सकते हैं। हमने कोविड में देखा है कि किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक संकल्प से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान किया और आज काफ़ी हद तक हम इसके रोकने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, हम भी सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित रखें। इस अभियान को जब तक चलाना है जब तक COVID-19 समाप्त नहीं हो जाता। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, विशेष रूप से डॉक्टर SK सरीन जी को जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, संकल्पित हैं।
और एक सपना देख रहे हैं, एक डॉक्टर इसी हेपेटाइटिस बी और सी के डॉक्टर हैं, लीवर के डॉक्टर हैं, लेकिन इनका प्रयास है कि किस तरीके से पेशेंट कमाए। वकील चाहता है कि ज़्यादा मुकदमा हो, डॉक्टर भी चाहते हैं कि ज़्यादा बीमार हो तो ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन इनका प्रयास तो ये है कि किस तरीके से इस हेपेटाइटिस वायरस को रोका जाए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कि संस्था को धन्यवाद देता हूँ, और उनका संकल्प पूरा होगा। हम सब सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे और इस हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस को रोकने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस कोविड 19 महामारी के संकट काल में भी अपना लीवर स्वस्थ रखने का प्रयास करूँगा। अपना और अपने परिवार का टेस्ट कराऊंगा और टीका लगाऊंगा। अपने सहकर्मियों से हेपेटाइटिस के बारे में वार्ता करूंगा। कम से कम 10 व्यक्तियों को हेपेटाइटिस के बारे में शिक्षित करूंगा। हेपेटाइटिस से ग्रस्त व्यक्तियों की मदद करूंगा। लोगों को हेपेटाइटिस से लड़ने के लिए सशक्त बनाने के लिए सहयोग करूंगा। जुलाई 2018 से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज हम एकत्र रूप से समाज में जागरूकता तैयार करने के लिए और इस रोग के बारे में अधिक जानकारी समाज के हर वर्ग को पहुंचे, इसका प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आगे भी जारी होगा। अभी के आप वीडियो में आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम करीब 15 लाख लोगों तक पहुंचे हैं, रेडियो के माध्यम से, स्कूलों में प्रतियोगिता करके, कार्टून और पेंटिंग एग्जीबिशंस करके, राज्य सरकारों से जुड़ के और इन सब विभिन्न संस्थाओं से जो जिनके द्वारा इस गंभीर रोग के बारे में प्रचार हो सके, हम जुड़ के ये संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम का एक वैशिष्ट है कि बहुत से ज़्यादा संख्या में सांसद इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस बात का गर्व है कि एक अच्छे कार्यक्रम के लिए हम जुलाई 2018 से ILBS के साथ ये काम कर रहे हैं। आगे भी हम ये काम करेंगे। हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के सब रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एयरपोर्ट डायरेक्टर्स इस कार्यक्रम में सहकार्य दे रहे हैं और आगे भी हम देंगे। इन शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए सबका मैं फिर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है जो कि दूषित जल और साफ सफाई न रखने की वजह से फैलता है। इस संक्रमण की वजह से पीड़ित व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। हेपेटाइटिस के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और इसी जागरूकता का संदेश संसद भवन परिसर से भी आज दिया गया। लोकसभा टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।